तो हमने भी ऑनलाइन रोज़ मंगा लिए हैं, ये कुछ 5 बजे अशोके से मंगाए, क्योंकि जयपुर में इतनी अच्छी कोई ख़ास वैरायटी नहीं मिलती है, तो मेरे को ऑनलाइन मंगाने पड़े। पहले मैं ओडिशा में रहता था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिलती थी, क्योंकि जो नर्सरी से बंगाल्स की वो काफ़ी पास है, पर जयपुर में वैरायटीज़ नहीं मिलती है, मिलती भी है तो कोई अच्छी खास वैरायटी नहीं मिलती है। तो इस बार मैंने ऑनलाइन जो अपने परचेज़ किए, तो आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। तो हमने जो सोइल प्रिपेयर करी थी वो अभी तैयार हो चुकी है, इसको 7 दिन हो चुके हैं और ये रेडी है, तो हमारे प्लांट भी रेडी है। तो चलिए अब हम इनका फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें इनको ट्रीट करना है। तो जैसे हम कहीं से बाहर से आते हैं, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, थक कर आए कुछ करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे पानी। तो ये जैसे ही ये भी थक कर आए, बड़ी दूर से आए, तो मैं इनको सबसे पहले पानी पिलाऊंगा। तो आज ये हम इनको पानी पिलाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल ले लिया है, स्प्रे बॉटल की सहायता से आप इनको, तो ये मैं छोटा सा ये मेरा गमला है, पानी नीचे ना आ गिरे इसको, तो मैंने ये ले लिया है, तो मैंने हाइड्रेट करूँगा, सबसे पहले मैं इनमें हाइड्रेट करूँगा। अच्छे से आप हाइड्रेट कर लीजिए इन्हें, फर्स्ट स्टेप है आपको हाइड्रेट करना ही करना है, लाते ही कभी लगाना नहीं है, अगर आप लाते लगा दोगे तो आपके प्लांट के चाहे सर्वाइव करने के लिए चांसेस कम हो जाएंगे। आप जितना अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हो उतना अच्छे से पहले हाइड्रेट करो इनको, तो मैं पूरा अच्छे से हाइड्रेट कर दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, कभी भी ऐसे लाते ही नहीं लगा देना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले हम हाइड्रेट करेंगे पूरे प्लांट को। हमने दूसरा प्लांट भी हाइड्रेट कर लिया है, प्लांट काफ़ी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े प्लांट है नहीं है, और वैसे मेरे को ज़्यादा बड़े प्लांट चाहिए भी नहीं थे, मेरे को छोटे ही चाहिए थे ऑब्वियसली। तो आपको ऐसे ही सारे अपने प्लांट अच्छे से हाइड्रेट कर लेना है। तो ये हमारे प्लांट अच्छे से हाइड्रेट हो चुके हैं, तो मैं तो लगाने वाला था इनको पॉट में, पर आ ये गए जल्दी, अब मेरे पॉट आने वाले हैं परसों, तब क्या करें। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपके भी काफ़ी काम का है, तो हम क्या करेंगे इन्हीं ग्रो बैग को यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन्हीं ग्रो बैग को यूज़ करना है, ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा मेथड है, उनकी कंपेरिजन में भी काफ़ी अच्छा मेथड है, तो मैं इन ग्रो बैग को ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, है ना। इन्हीं पे ये जो अपने जो सोइल 7 दिन पहले तैयार कर रखी थी, इसी सोइल को लेकर हमें इसको कवर कर देना है, तो मैं इसी में ही अपने प्लांट्स में इसी में ही अपनी सोइल डाल दूँगा, और इनको अच्छे से जब ये ग्रो हो जाएंगे देन इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। यही सबसे अच्छा मेथड है, अगर आप चाहे तो वैसे पॉट में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप जितना कम हो सके प्लांट को डिस्टर्ब करें, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशंस में आते हैं ये वहाँ से, तो जितना आप कम इन्हें डिस्टर्ब कर सके उतना आप इन्हें कम डिस्टर्ब करिए। तो इसमें ही मैं अपनी ये जो सॉइल है ये डाल दूँगा, तो काफ़ी अच्छी सॉइल बनी, इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, अर्थी स्मेल आ रही है, तो अर्थी स्मेल आने का मतलब है कि आपकी सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है। और अगर आपको सॉइल कैसे बनी हुई है और आपको नहीं पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सॉइल के बारे में एक वीडियो बना रखा है, तो देख सकते हैं सॉइल कितनी फ्लफी है और काफ़ी एरी भी है। तो मैं इसी में ही अपने प्लांट्स को ऐसे रख दूँगा अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ये, ऐसे हम ऐसे दूसरे प्लांट्स भी ले लेंगे। तो ये है हमारा दूसरा प्लांट है, इसको भी हम ले लेंगे ऐसे ही।
इसी के ऊपर मैं सोई डाल दूँ, अपनी जो सोई मिक्सर है वो इसी के ऊपर डाल दूँगा। हमें अपने प्लांट्स कम से कम डिस्टर्ब करना है, जितना कम आप डिस्टर्ब करेंगे प्लांट को आपके प्लांट्स के चलने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं अपने इन प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। हमारा सैलेड प्लांट भी रेडी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल मेथड है, तो अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप प्लांट के बारे में समझेंगे नहीं कि आपको प्लांट कैसे लगाना है। तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, थोड़ा मैं इसको टाइम लग रहा है इनको खोलने करने में, तो आप वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अच्छे से सोई कवर कर दिए, जितना आप अच्छे से सोई डाल सकें उतना आप अच्छे से सोई डाल दीजिए। हमारे ये प्लांट्स कुछ रेडी हो चुके हैं, तो इस पर भी मैं थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा सोइल्स हैं वो एक्स्ट्रा सोइल डालूँगा। थोड़ा थपथपा लीजिए कि सोई नीचे से जाए अच्छे से। तो हमारी सोइल मिक्सर है, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, मैंने ट्राइकोडर्मा डाला हुआ है और पीसलोमाइसिस डाला हुआ है, वाम डाला हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी सॉइल है। इनसे भी जो इनमें गुलाब की जो सॉइल आई है उनसे भी काफ़ी अच्छी पावरफुल सॉइल है, और देख सकते हैं आप कितनी फ्लफी है। तो मैंने इनको अच्छे से कवर कर दिया है, तो हाथ के साथ तब तक पा लीजिए क्योंकि हमारी ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा एरी है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी एरी है। तो मैंने तो नर्सरी तैयार कर दी है क्या करूँ। तो अब हमने और थोड़ा सा और मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर, आप इसे आप जब लाएं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी पोट नहीं है तो मैं जुगाड़ का मेथड कर रहा हूँ, अभी जुगाड़ वाला मेथड यही है। हमारी सोई तो अच्छी है, इनको काफ़ी सपोर्ट देगी, और हाँ ये वाला मेथड भी काफ़ी अच्छा है अगर आप कम से कम प्लांट को डिस्टर्ब करें, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है और प्लांट के लिए भी अच्छा ही है। आप जितना कम प्लांट को डिस्टर्ब करेंगे आपके प्लांट उतने ही अच्छे चलेंगे। तो अब हमने प्लांट को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, जैसे थे वैसे ही रहने दिया है। और अगर आप ऐसे करी इस वाले मेथड से लगा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से आप एक दो पूरा एक कट लगा दीजिए, क्रॉस टाइप का कट लगा के देन इसको डायरेक्ट ही गमले में पुट कर दीजिए, ताकि कि थोड़े दिन बाद ग्रो हो जाए तो आप इस पन्नी को जैसे यहाँ से गोल काट देंगे ना तो आप ऊपर खींचेंगे तो आपकी पन्नी खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाएगी। तो हमारी ऐसे दूसरे प्लांट भी रेडी हो गया है। थोड़ा सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सॉइल में जो एयर पॉकेट से वो नहीं होनी चाहिए, एयर पॉकेट से जो रह जाते हैं उनसे भी सॉइल ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो एयर पॉकेट नहीं होने चाहिए। अभी मैं कर लिया हमने ऐसे ही, मेरा काफ़ी फेवरेट लगते हैं क्योंकि कलर काफ़ी अच्छा ब्लूम करता है।
हाथों की सहायता से थपथपा लूँगा, थोड़ी सॉइल बची हुई एक्स्ट्रा मैं डाल देता हूँ। मुझे तो लगता नहीं कि मेरे को इनको कुछ कट करना ही पड़ेगा, तो ये तो काफ़ी अभी से लगता है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे और काफ़ी फ्रेश भी हो जाएंगे। ये वाला जो मैंने जो मेथड यूज़ किया है ये काफ़ी अच्छा मेथड है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिस जब आपके प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए देन आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वैसे भी हमें इन नई जो मिट्टी होती है उससे एक्सपोज नहीं करना चाहिए, सही बात तो होता है, क्योंकि हमें भी जैसे नई चीज़ कभी कभी पसंद नहीं आती, जैसे प्लांट्स को भी कुछ नई चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो आपको कभी भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। तो अभी देख सकते हैं ये मैंने एक्सपोज किसी चीज़ से एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, अभी इनको मैं ऐसे ही रख दूँगा, जब ये ग्रो हो जाएंगे देन इनको अपने पोर्ट में ट्रांसप्लांट करूँगा। अभी तो मेरे पोर्ट आने में भी टाइम है तो मैं इनको भी अभी इसी में ही रहने दूँगा। अगर आपके प्लांट थोड़े लेट हो जाते हैं और आपके प्लांट की जो लीव्स अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसकी लीव्स को कट कर दीजिए। मेरे प्लांट्स की अभी लीव ख़राब नहीं हुई है तो मैं इनमें कोई कट वगैरह नहीं करूँगा, नहीं तो आपको कट करना चाहिए। कट क्यों करना चाहिए? अगर आपके प्लांट्स में जो ख़राब हो चुके हैं तो आपको प्लांट में उसको प्रेस्पिरेशन होने से बचाना है। प्रेस्पिरेशन मतलब होता है कि उसका वाष्पीकरण होता है, जैसे हम जितना लीव रखेंगे उतने ही लीव से जितना ही पानी वाष्पीकरण होगा, जितना स्वेटिंग जैसा होगा, और उससे आपका प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है और वाटर की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें जितने लीव्स हटा सकें उतने लीव आपको हटाना है। तो मैं इन्हों में नहीं हटाऊंगा, ऑब्वियसली ये प्लांट हेल्थी है और आगे हैं ये हेल्थी कंडीशन में है, और अभी विंटर का टाइम है और वैसे तो हमारे यहाँ पे गर्मी है, ठंड है ज़्यादा कंपेरिजन में बंगाल के, तो अभी ये सर्वाइव अच्छी कर जाएंगे। तो मैं इसमें है तो इसमें भी मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कुछ कटिंग करना पड़ेगा, तो अभी ही ये तो फ़िलहाल ही आप देख सकते हैं कि फ्रेश हो गए हैं। ये तो मैंने इनको अच्छे से रिहाइड्रेट कर दिया तो फ्रेश हो गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनमें मेरे को कुछ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बैठे बैठे अपना दिमाग लगाओ और एक आप जो क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्मार्ट गार्डनिंग करो आप। तो मैंने भी स्मार्ट गार्डनिंग करी, अपना दिमाग लगा के देखो, मैंने प्लांट डिस्टर्ब नहीं किया है और अब जब मेरे गमले आ जाएंगे अभी 2-5 दिन बाद, तो मैं इनको ही ऐसे ही, जब भी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा तब भी मैं इनको ऐसे ही एज इट इज ही अपने गमले में डाल दूँगा, पर ये पॉलीथीन भी नहीं हटाऊँगा। आपको पॉलीथीन भी नहीं हटानी है, पॉलीथीन हटाने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, यहाँ से कट करके जो मैंने बता दिया है वही करना है आपको बस। फिलहाल तो हमारे प्लांट्स हो गए हैं रेडी। तो अगर आप चाहें तो इसमें फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑर्गेनिकली तरीके से उगाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली कभी फंगिसाइड यूज़ नहीं करता। तो मैं फंगिसाइड के मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये टी ट्री ऑयल के दो फायदे हैं। एक तो इनको जो प्रिस्पिरेशन है जो मैंने आपको बताया प्रिस्पिरेशन से भी बचाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसकी। तो यहाँ पर हमने लिया है ये पानी, इसमें मैं डालूँगा ये टी ट्री ऑयल, तो टी ट्री ऑयल है तो टी ट्री ऑयल में थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा भी टी ट्री ऑयल नहीं डालना है। हम ये टी ट्री ऑयल डाल देंगे और हमारे प्लांट पर स्प्रे कर देंगे। चलो स्प्रे, हमारे प्लांट पर स्प्रे हो गया है अच्छे से, स्प्रे हो चुका है इस रथिंग साइड में। आप आ जाओ अब इनके लिए हम स्प्रे कर देंगे। अच्छे से स्प्रे करना है आपको, अच्छे से सब जगह पे स्प्रे कर देना। तो इनकी तो काफ़ी हेल्थी है, जो लीव्स भी काफ़ी हेल्थी लग रही है मेरे को, तो मैं इनकी लीव्स नहीं हटाऊंगा, इनको ऐसे ही रख दूंगा एज इट इज़। आ जाओ आप भी। तो मैंने काफ़ी
आप तो मेरे मेथड्स को अच्छे से फॉलो करें तो काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स हैं, तो आज आप भी उनके लिए हम स्प्रे कर देंगे अच्छे से। आपको सब जगह स्प्रे करना है। फिर कुछ ओल्ड लीव्स है इसमें, मैं हटा दूंगा इनको, तो ये ओल्ड लीव है इसमें हटा दूंगा, आप इनको ऐसी लीव्स को हटा दीजिए। तो मेरे ये लीव्स तो तैयार हो चुका है, इसको मैंने लीव्स हटा दिए, इसको मैं रख दूंगा साइड में। तो इन पे भी हम कर देते हैं। वीडियो तो काफ़ी थोड़ा लंबा हो सकता है, पर जानकारी आपको प्रॉपर चाहिए। अगर आपको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, थोड़ा लंबा ज़रूर है ये, पर लंबा होने से क्या है, अपने प्लांट बचने से है, वो कैसे भी बचें वो मैटर करता है ना, कि वीडियो पूरा लंबा होना या छोटा वीडियो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी नहीं हो और आपके प्लांट भी ना बचें, तो ऐसे वीडियो का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप थोड़ा सा वाटरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आपको इन्हें 7 दिन तक वाटरिंग नहीं करनी है, अभी अच्छे से वाटरिंग कर देना आपको, इन 7 दिन बाद आप वाटरिंग कर देना है इसमें। मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दे रहा हूँ। हमारे प्लांट्स हो चुके रेडी, आप इनको 7 दिनों तक, जब तक इनकी नई लीव्स नहीं आ जाए, तो आपको इसी में रखना है, कोई एरी जगह पे नहीं रखना है। लोग एरिया बताते हैं, एरी एरिया पे कभी नहीं रखना है। एरी एरिया पे क्यों नहीं रखना है, अगर आपके प्लांट्स हैं इन्हों पे ज़्यादा, अभी इनकी रूट से अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, एरी एरिया पे अगर आप रखोगे तो प्रिस्पिरेशन ज़्यादा होगा और आपके प्लांट डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो आपको कभी भी एरी जगह पर नहीं रखना है। अभी फ़िलहाल मैं इनको रूम टेम्परेचर पे ही रखूँगा, कोई एरी जगह पे नहीं रखूँगा, पार्सली सेमी शेड एरिया में रखूँगा। 7 दिन बाद इनको अच्छी धूप में रखूँगा। फिलहाल तो आपको नहीं इधर करना है, मुझे तो लगता है नहीं कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो मैंने मेथड किया है, इससे प्लांट तो देख ही सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्रेश हो गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। तो मैंने अपने साथ अपना जो ऑर्गेनिक मेथड है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको और भी जो नई मेथड सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।